ऑरलैंडो वो शहर जहाँ पे डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल है, अमेरिका की बड़ी ज़बरदस्त टूरिज्म यहाँ आती है। हमें बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए दो तीन ऑप्शंस मिले हैं ऐसे घर जो हम अपने यूज़ के लिए खरीद सकते हैं, और जब हम यहाँ ना हों तो पीछे से रेंट पे चला जा सकते हैं $400-500 पर नाइट के रेंट के हिसाब से, जो ऐसी कमाई भी दे सकते हैं। तो वो हम आज देखने जा रहे हैं एक ऐसे डीलर के साथ जो स्पेशल कनाडा के और या फिर यूएसए के बाहर के लोगों को यहाँ पे चीज़ें खरीदने में फैसिलिटेट करता है। सारी डिटेल आज की वीडियो में। इस वीडियो का सब्जेक्ट बड़ा स्पेसिफिक है, प्रॉपर्टीज तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस रेट में क्या मिलता है, मगर ये भी बताऊंगा कि इंडिया बैठे बैठे बिना किसी वीजा के आप हाई रिटर्न वाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में यूएसए के सबसे बड़े टूरिस्टिक शहरों में से एक ऑरलैंडो के अंदर कितने में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन होते हुए भी लोन कैसे मिल जाता है, जिसके अंदर की आपकी पूरी कोई इतनी ज्यादा डिटेल्ड क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह भी चेक नहीं करी जा सकती, और इंटरेस्ट रेट जो इंडिया में होम लोन का है उससे कम पर। तो क्योंकि बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और अगर आप ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना जगहें देखने में मजा बड़ा आएगा। क्या रिकॉर्ड कर रही है? ओके ओके, पापा जी से बात हो रही है एक्चुअली फोन पे। एक तो हम शहर के थोड़ा दूर दराज कोने में रुके हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेट कम था, इसलिए जाना पड़ेगा हमें 40 मिनट दूर। अब ये फ्लोरिडा की ना मेरे को ये बात बहुत बड़ी लगती है, जैसे ऑरलैंडो शहरों के अंदर की आप बात करो, जो सड़कें बनी हुई ना, चाहे ये हो चाहे नेपल्स का इलाका हो, तीन तीन चार चार लेन शहर की इंटरनल सड़कों के अंदर ही बनी होती हैं, तो बड़ा खुला खुला यहाँ पे माहौल। बाकी हर जगह जो है छोटे छोटे से तालाब आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना वाटर बेड या वाटर लेवल जो है वो बड़ा हाई है, और जैसे यहाँ से कोई तालाब आता है ना, मम्मी फट अपनी नजर उनके तरफ गाड़ लेती है कि बाय चांस क्या मेरे को एक नेचर के अंदर जो है घड़ियाल देखने को मिल जाए, है ना। फिलहाल अभी दिखा नहीं है। जब अपना घर खरीद लोगे ना यहाँ पे, जिस दिन आप पीछे अपना धूप सेक रहे होगे उस दिन दिखेगा आपको। बाकी पूरे फ्लोरिडा के अंदर मम्मी 13 लाख घड़ियाल है सिर्फ फ्लोरिडा में, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे भैया आपने स्विमिंग करने जानी हो ना तो डेजिग्नेटेड स्विमिंग एरियाज ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, घड़ियाल दिख जाए तो उसको खिलाने की कोशिश नहीं करनी। बाकी देयर इज अ लेक हियर है, लेक ओकीचो भी पता नहीं क्या अजीब सा कुछ नाम है उसका, 130 किलोमीटर दूर है यहाँ से। दैट सिंगल लेक अलोन हैज अबाउट 10,000 एलिगेटर्स इन इट। चलना उठे हैं, I think probably they must have some kind of a hovercraft trip that they take you through the alligators, I guess. It must be a really big lake. Yeah. यहाँ भी ये तालाब आ गया ना, तो यहाँ पे जरा सा खो तो पानी निकल आता है, इसलिए मम्मी फ्लोरिडा के घरों में बेसमेंट नहीं होती। अच्छा। किसी भी घर में बेसमेंट नहीं मिलेगी। हाँ। अब ये मैप पे आपको छोटे छोटे ये वाटर बॉडीज और लेक दिख रहा है ना, ये बेसिकली सोसाइटी के अंदर ही यहाँ वाटर बॉडीज बनी होती हैं। ये देखो हर थोड़ी देर में ऐसे आ ही जाते हैं, एक इधर है और वो सोसाइटी उधर है, उस सोसाइटी की वाटर बॉडी वो बीच में बनी हुई है। हमने $20 का रीलोड कराया था ना कार्ड अपना, ये टोल वाला, ये एक एक दो दो करके पता कितने कट गए अभी तक, 9.42 बचा है बैलेंस। चलो आधा घंटा खड़े हो अब इस जाम के अंदर, 12 किलोमीटर का आधा घंटा है, पर क्या कर सकते हैं। देखो जी डिज्नी का रिजॉर्ट जो है ना बिल्कुल ही पास में हमारे, थोड़ी सी पीछे, क्योंकि हम जा रहे हैं जहाँ वो 20 मिनट दूर है रिजॉर्ट से, इसलिए जो बिजली के खंबे हैं वो भी आप ये लगा लो कि मिकी माउस के स्टाइल में बने हुए। डेवनपोर्ट करके ये इलाका है जहाँ पे सारी लेटेस्ट नई डेवलपमेंट आ रही है, 2021-22-23 के बने हुए घर हैं, तो ज्यादा पुराने भी नहीं है, सोसाइटीज भी थोड़ी सी अच्छी हैं, तो जाके देखो। चलो जी सोसाइटी की शुरुआत हो गई है। Which one is this? Gate. Champion Gate कहते हैं यहाँ की Devonport की सबसे सुंदर और बेस्ट कॉलोनीज में से ये एक है। मम्मी इस वाली कॉलोनी में ना अभी हमें एजेंट जो है वो गोल्फ कोर्स और सारी एमिनिटीज और मार्केट्स वगैरह सुंदर सुंदर सारा अभी हमें दिखाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे अंदाजा भी आपको प्राइसेस का देंगे। प्लाजा वगैरह देखो आपको मतलब देख के ही समझ आ जाएगा कि भाई काफी अच्छा सुंदर और रिच टाइप का जो है बना हुआ, और अभी तो ये बस एंट्री है और सारा एक थीम पे, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे वो या चाहे वो यहाँ की ग्रोसरी हो, सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं इनकी एक थीम के अंदर बनी हुई है। बैंक भी तो ये यहाँ का ना एक कोड होता है, डिजाइन कोड। और ये एंट्री देखो जी बिल्कुल फ्लोरिडा वाली,
एकदम पूरा प्रॉपर पाम बीच स्टाइल। मम्मी की तो पांचे खिल गई हैं देख के, हैं मुस्कान अलग ही आई हुई है। मम्मी ने कंट्रोल कर ली जैसे मैंने कहा। मम्मी जी लाइक्स इट। अरे मम्मी जी लव्स इट ऑलरेडी। ओके बाय इट ऑलरेडी। या यू वांट टू सी द हाउस फर्स्ट? ओह यस। और इस सोसाइटी का नक्शा आप देख सकते हैं कितनी वाटर बॉडीज, और यहाँ पे ना ये 3D करके भी दिखा देता है इधर US कनाडा में, तो सारा आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कैसी जो है ये सोसाइटी एरिया वगैरह है। एंटर करते ही अंदर एक बड़े रिजॉर्ट भी आ गए। ये आ गए टाउन होम स्टाइल घर। जी घास को पानी दिया जा रहा है यहाँ पे, और ये सारा जो है ना HOA करती है, होम ओनर्स एसोसिएशन, जो कि मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड एज आई टोल्ड यू, ज्यादातर घरों में ये पीछे नेटिंग लगी होती है। फाटक आ गया गेट कम्युनिटी का, स्कैन कर रहा है भाई। बार कोड स्कैन होगा सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और हमें एजेंट ने वो बार कोड भेज दिया है, उसको स्कैन करा के हम एंटर करेंगे। और जब से एंटर करें पीछे से मम्मी के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, मम्मी क्या बोल रही हो आप रेगुलरली बार बार? वाह वाह बोल रही है। सुंदर है भाई साहब, बड़े बड़े पूल। ये भाई साहब जब हमें दिखाएंगे इनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ, और उसके बाद हॉट टब, टेनिस बार्स, ड्रोन शॉट अभी पता नहीं यहाँ ले सकते हैं कि नहीं, बट अदरवाइज बहुत ही अमेजिंग कम्युनिटी सेंटर। और इतनी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं ना सर जी, मैं आपको बताऊंगा मजा आ जाएगा सुन के। मम्मी को तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है यहाँ से रिलेटेड, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। अभी थोड़ा फ्री हो गया आपको बताऊंगा, हम घर देखने जा रहे हैं। हमने कहा घर दिखा यार, कह रहा 8 बेडरूम दिखाता हूँ आपको, मजा आ जाएगा देख के। वाटर बॉडीज में गया था ना यहाँ पे, कॉमन है, एक और आ गई। बाकी तो मैं कहता हूँ क्या लश इलाका है यार, आप देखते जाओ बस। ऐसा नहीं है कि बंदा एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ बंदे पे बंदा जड़ा हुआ है। हाँ। नहीं, चिपका चिपका के घर बनाए हुए हैं, बिल्डिंगें खड़ी की हैं ना, पूरा ग्रीनरी, गोल्फ कोर्स सोसाइटी है, बढ़िया। ओए होए, क्या 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 हो गए हो? हो गई वो तो दिख रहा है, झिल्ली भी थरथली हुई। लो जी, एक तो यहाँ पे तो पूरा मिनी वाटर पार्क ही बना रखा है इसके अंदर, चैंपियंस गेट एक के बाद एक आती जा रही है। अब ये अलग सेक्शन में आ गया ना, तो यहाँ पे अलग फिर से सिक्योरिटी होगी। यहाँ पे सारे बड़े घर हैं, वो बता दिया भाई ने, जान दो। तो ऐसी गाड़ी लेनी है मेरे को बड़ी। हाँ, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में टाइम स्पेंड करना ऐसी गाड़ी का पता चला गया, पर चलो आने वाले टाइम में भी फिलहाल के लिए ये जो लिया वो भी बहुत बढ़िया है। ये टाउन होम टाइप आ गए है ना, वो सामने आ गए बड़े सिंगल। बड़े सुंदर घर है, इसी साइड है। चलो अभी दिखाएंगे भाई जी, बस ये बेसमेंट ना हो जिस घर में, उसमें भी अगर 8 कमरे हो तो घर काफी बड़ा होना चाहिए उस हिसाब से। मम्मी 4,500 square feet के आसपास बोल रहे हैं। ये आ गया जी ये वाला। ओके सो दिस इज मार्क एंड ही कम्स इन highly recommended with one of Sandra's friends who's actually bought 2 properties with you already, right? Yep, so far. So yep. Far, 2 properties, and he's gonna show us the first thing that he's brought us to explore here is this 8-bedroom house. Yeah. So we'll take a quick look and see what exactly a house specially purchased for the idea of renting it on BnB looks like and what kind of revenue it can generate. Fantastic. Okay. अब ये ना पूरा जो इलाका आपको दिख रहा है ये सिर्फ Airbnb के लिए ही बना है। इसकी टाउनशिप की एक साइड है जो कि आप ये लगा लो कि ऐसी है जहाँ पे सिर्फ रेजिडेंट्स ही रहते हैं। पीछे 6-bedroom house हैं, इनकी कीमत है तकरीबन समझ लो $580,000, और ये 8-bedroom है और स्पेशली फैमिलीज के लिए Airbnb के हिसाब से बनाया है। इसको दिखाता हूँ फिर इसकी कीमत बताता हूँ। Okay. So this is the house. We do a conversion. Usually these were garages, but with the new ones, they said, you guys are just going to turn this into a game room. Okay, yeah, garage, jo game room mein convert. Oh, wow. Oh, my God. That's the reaction you like here. Nice. Whoa. They have PlayStations, Nintendo, everything. Oh, wow, look at that. Oh, okay. So that switch frame there. Yeah. That's made out of MDF and wood. Okay. And we make all that in our shop. Nice. And all of the painting here is done by my team. You know, it's relatively clean, but it's obviously
We had guests in here at 10 o'clock this morning. Okay. So it's not quite cleaned up yet. That's all. My team will come in tomorrow before the next guest at 4 o'clock. Mm-hmm. But at least you get to see that everything in here is nice. We picked nice ground floor. So interestingly enough, when you buy this, this is not a long-term rental. This is a short-term rental. Wait for it. Everything, all the furniture comes with it. Oh, okay. So you save like $60,000 to $80,000 in furniture. Wow. For an 8-bedroom house, it's a lot of furniture. Yeah. All of it comes with it. Okay. So you could literally buy the house, and it's 20% down, 7% interest rate. The house is yours. Takes about 30 days to close. We do the theming. It takes about 2 months to finish off all the theming. Mm-hmm. And then, boom, we put it on Airbnb and it starts booking that very day. So yeah, nicely decored. अभी तो गेस्ट रैंकिंग है तो इसलिए थोड़ा है ना खचाड़ा है मगर मम्मी आज मास्टर बेडरूम भी देख लो ना ये तो एक मेन हो गया मगर मजा ये है मम्मी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे है तो आपके लिए तो बड़े ही आराम हो जाएगा है ना इसमें कारपेट है कारपेट को चेंज किया जा सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है वरांडा देख लो अपना वरांडा नहीं पीछे और बहुत कुछ A TV, so yeah, we put a TV here, and we'll put a barbecue. We put all of these, you know, all these, this seating. आइए माता जी, अभी अभी गेस्ट निकले ना BNB वाले, तो थोड़ी भी क्लीनिंग हुई नहीं है, जैसे सामान पड़ा है, but वो होती रहेगी बाद में. Come on in. Oh wow. So this is the type of theming we do. Mm-hmm. We build these bunk beds in our shop. ये तो जैक इंजन स्टाइल है क्योंकि बाथरूम कॉमन हो गया ना कनेक्ट करने के लिए. अरे वाह स्नूकर टेबल. नाइस. बड़े रूम है यार. पता भी नहीं हो रहे. So here we have the other theme bedroom. That's cute. Go for it. Whoa. Yeah. That's the type of sounds we like, you know, when people are excited. Wow. That's fantastic. So this is from the movie Encanto. So we have hand-painted murals with Isabella. And then we have... These are 4x4 posts. Mm-hmm. They're solid wood. They're made by carpenters. Come on, yeah. ये दो तीन theme room बनाए हुए हैं, दो तीन regular हैं. ये वाले का bathroom private है, कुछ के shared है. नहीं, ये भी jack and jill है. हाँ. उधर भी दो के साथ एक था, इधर भी दो के साथ एक है. Master के नीचे अलग है. काफी bathroom भी बहुत हैं, नहीं? Oh wow. This is a movie theater. Oh wow. So nice. Movie theater inside. And it's Peter Pan, if you guys are familiar. Oh yeah. Peter Pan. We have Neverland. इस घर की कीमत है $680,000 और अब मैं बस इनसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं इंडियन मेरे कागज इंडिया से क्या मेरे को यहाँ पे लोन मिलेगा और मिलेगा तो किस रेट पे मिलेगा कितनी हिस्ट्री पे मिलेगा तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्योंकि सनी वगैरह की तो क्रेडिट हिस्ट्री कनाडा की है उनको वेरीफाई करने में आसानी होती है बट अपनी जो है ना हिंदुस्तान से उसका चेक करते हैं अभी आगे जी अगली सोसाइटी सॉल्टेरा रिजॉर्ट अब यहाँ देख रहे हैं मम्मी वो थीम वाला सीन थोड़ा सा उतना नहीं है 7-Eleven गैस स्टेशन नॉर्मल बने हुए हैं जो जिसमें हम होके आए थे वहां पे वो गैस स्टेशन तक उन्होंने उस थीम के अंदर बनाए हुए थे जो सोसाइटी की थीम होती है थोड़ा सा एक लेवल हल्का सा शायद नीचे होगी ये वाली ज्यादा भी नहीं सॉल्टेरा रिजॉर्ट गेटेड कम्युनिटी अभी यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक है और ये जो पीछे झाड़ लगे ना ये हम देख के आए हैं ये कोई कांच कूंच का नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ मॉस्किटो नेट है क्योंकि यहाँ पे अगर ग्लास लगा दिया तो इतना ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाएगा इतनी हीट में कि लोग भाबन के उड़ जाएंगे इसीलिए ये एज सच मेरे ख्याल से मगरमच्छों से तो नहीं बचाता होगा मगर ऐसी कम्युनिटीज के अंदर से मगरमच्छ का निकलना शायद उतना लाइकली नहीं होगा वो बाकी हम न्यूज में देखते हैं ओपन सिटी में कहीं हो तो बाकी ये भी पूछ लेंगे हैं डॉल कैन यू आस्क द एलिगेटर क्वेश्चन फ्रॉम द गाय That is there any risk of finding alligator in your backyard like tomorrow morning something like that? Pretty much anywhere in Orlando, no?
but we should ask. Pretty much anywhere in Florida, but we should ask. मैंने एक चीज नोटिस करी है कि यहाँ पे ना सड़क के दोनों तरफ अगर आप मेन रोड पे चल रहे हो तो मम्मी घरों की बैक साइड ही है ना, जो फ्रंट है ना वो अंदर की तरफ है और अंदर गोल गोल ऐसे सर्कल बने हुए हैं, अंदर इंटरनल रोड्स बनी हुई हैं, उनमें ही आपको फ्रंट दिखता है, मगर मेन रोड से यू सी बैक ऑफ ऑल द हाउसेस। ओके जी, अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं। ये तो टाउन होम टाइप हो गए, सिंगल होम शायद आगे आ रहे हैं। मम्मी कैसे लग रहे हैं घर? ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। मम्मी फाइंड दिस वन प्रीटियर। मम्मी को ना ये ऊपर छत पसंद आ रही है, बाहर से सुंदर है। शैम्पियन गे? या देयर आर सम आल्सो मोर इन दैट स्टाइल। माय फ्रेंड्स हाउस द हाउस शी हैज इज मोर इन दैट स्टाइल। ओके ओके ओके। ही वाज सेइंग यू नो देयर इज लाइक द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ। ओ या, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सब कम्युनिटी एंड दे ईच हैव देयर ओन स्टाइल। ओ वाओ, डिफरेंट थीम्स फॉर डिफरेंट सब कम्युनिटी, दैट्स नाइस। तो जी ये घर देख ली थोड़े से अपने बाहर से कैसे, अब टाइम आ गया अंदर से देखने का। ओके जी। और फॉर सम रीजन डॉल आई फाइंड द रोड्स एंड एवरीथिंग लाइक ब्रॉडर, मोर क्लोज टू व्हाट वी हैव इन कनाडा, लाइक इट्स नॉट टू क्लटर्ड विद पार्किंग्स एंड एवरीथिंग। इट लुक्स लाइक अ रेगुलर हाउस इन अ रेगुलर कैनेडियन ब्लॉक। कम हियर, सनी इज मूविंग द कार। कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू द वेयर वी केम फ्रॉम, दैट वाज द रोड्स वर अ लिटिल मोर नैरोवर and and there was a lot less space between the houses. You see how much space there is between the houses? That's one thing. I think it must depend also on the sub community. Yeah, that's true. घर काफी बड़ा है ये, वैसे नहीं, आप गाड़ी के साइज के हिसाब से अंदाजा लगाओ, इधर तक भी काफी फैला हुआ है। So here I'm going to show you a 5-bedroom home. Okay. Here in Solterra Resort. The nightly rates for a 5-bedroom will be just a little bit less than Champions Gate here, because there's one clubhouse. Okay. Over there they have two clubhouses and a golf club. Okay. It's gonna show us some more. So these, the differences, there's gonna be where we'll take a look at this model, but usually there's one or two bedrooms downstairs, and then there will be like three bedrooms upstairs. It's gonna be bhai bachi. Bhai bachi hai. मेरा ये बी एन बी पर $250 से $300 के बीच में जाता है, वो वाला 450 तक जाता है। बड़ा है ना? हाँ। कमर्शियल के लिए अच्छा है। ओके जी, अपर फ्लोर पे मैं आ गया हूँ झलक मारने के लिए। ये कॉमन सिटिंग लॉफ्ट एरिया हो गया और तीन तरफ फिर बेडरूम ही बने हुए हैं जिनके अंदर अपने सारे बाथरूम है। अभी यहाँ पे क्योंकि पूरा प्रॉपर फर्निश्ड नहीं है, एक इधर अगर फिर अगर बंदा थीमिंग करे तो फिर रेंट पे भी चढ़ने के आसार ज़्यादा हैं। ये वालों को ना एयरबीएनबी पे उतना मज़ा आ नहीं रहा। अब जो होम ओनर एसोसिएशन है ना, उसका चार्ज मेंटेनेंस का तकरीबन $500 के आसपास है महीने का, मगर उसके अंदर आप पीछे देखो ना एक गार्बेज बैग पड़ा हुआ है, ये रोज़ गार्बेज क्लीन करते हैं। आमतौर पर सिटीज़ में हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार जाती है, डिपेंडिंग उस इलाके की पॉपुलेशन कितनी है, विच इज़ अ बिग डील पर्टिकुलरली बीएनबी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा घास की ट्रिमिंग, पेड़ों की ट्रिमिंग, लैंडस्केपिंग, ये सारी जो है HOA के अंदर इंक्लूडेड। इसके अलावा इसके अंदर TV और इंटरनेट भी इंक्लूडेड है। जैसे मान लो 8-bedroom वाले के अंदर कह रहे हैं हमारे 12 TV है, 12 के 12 पे जो है वायर TV चल रहा है यहाँ का जो लोकल है, प्लस इंटरनेट प्रॉपर्टी के लिए मिला हुआ। उसकी स्पीड वगैरह देखनी पड़ेगी क्या है क्या नहीं है, हमारे हिसाब से है कि नहीं है। सोसाइटी सुंदर ये वाली ज़्यादा लगी है मेरे को घरों के स्टाइल में, अंदर से उतना अच्छा नहीं था, अंदर से उतना अच्छा नहीं था, मगर ये कहना है कि अब ये स्टाइल थोड़ा जो है ना यहाँ पे पुराना हो गया। कहने का मतलब है मम्मी 2013 से 2018 के बीच में ऐसे डिजाइन बनाए करते थे, अब थोड़े मॉडर्न स्लीक आ गए हैं, तो जो हम 8 वाला देखे ना दैट इज मोर मॉडर्न, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस अब थोड़ी जो है ना स्कैंडिनेवियन सीधे सीधे डिजाइन उसमें ज्यादा चली गई है एज कम्पेयर टू ये ऐसे विंटेज डिजाइन। थोड़ा अंधेरा हो गया, हम एक और गेटेड कम्युनिटी में आ गई है और इस इलाके का नाम है किसीमी, मतलब किसीमी ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं भगवान जाने। ओके, ये अगला आ गया। एक छोटा बेडरूम यहाँ है, एक यहाँ है। मम्मी इसका भी बाथरूम, इसका भी मास्टर नीचे है, ठीक है, दो कमरे नीचे हैं, मगर 8-6 ऊपर हैं। The 4 steam rooms are upstairs. Like I said, it's important to have nice, tasteful stuff in here. ये तो जी रेगुलर रूम है, थीम्ड रूम है ना वो ऊपर है, जैसे ये मॉन्स्टर्स थीम है जो यूनिवर्सल की पोर्टल स्टाइल बना रखा है कि भाई बंदा पोर्टल से एक थीम से दूसरी थीम में जाता है। देखते हैं ऊपर जाके कैसा है। ओह वाओ, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, हैरी पॉटर थीम। ओके वाओ, आर्केड गेम्स एंड एवरीथिंग, आर्केड गेम्स
एसी चल रहा है, 18 व्हीलर फास्ट एंड फ्यूरियस. And then this, अगर हमने एक ऐसा ले लिया ना, ये जो गेम वाला ना, ये मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा. ब्यूटीफुल पूरी मारियो कार्ट थीम बनाई हुई है यार. बच्चों को तो वापी है, उनको दिमाग खराब हो जाएगा डिज्नी से. बाहर भी निकलेंगे तो दे वुड वांट टू कम टू समथिंग लाइक दिस. यार सही है, पूरे पाइप ऐसे बना रखे हैं. हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन थीम. ओके, ओह माय गॉड, ओह वाओ. So we have a Viking. So How to Train Your Dragon is very based in Vikings. Oh yeah. So we have the canvas here. मैं कहूँ ये सीढ़ियाँ जा रही हैं अंदर को, यहाँ से ये वो है स्लाइड है इसके. We're gonna go to this one over here, which is Donkey Kong. Donkey Kong. Oh, oh wow. Very nice. So this is the Donkey Kong Mine Train. Mm-hmm. Oh, another nice one. Wow. So this is a castle. Oh wow! From Link and Zelda, and you have to go all the way to the back to see all the fun stuff. Oh wow! So what is it? Does it connect? Oh my god! It connects, so they can walk. Oh yeah! You got a bridge. Let's turn on the lights. Hogwarts Express. Harry Potter train. Man. सारा देखने के बाद हमको पता ये लगा कि यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी इवैल्यूएशन के बेस पे आपको लोन मिल सकता है अगर आप 25% डाउन पेमेंट देने को तैयार हो. यानी कि अगर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ रुपए अगर आप देने को इनिशियली डाउन पेमेंट में तैयार हैं, मगर आपके पास 5 महीने की जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी उसके पैसे रिजर्व में उसके अलावा दिखाने के लिए होने चाहिए. क्योंकि यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको थीम करा के बीएनबी बनाया जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी अपने आप में ही अपना इतनी इनकम निकाल लेगी कि उसी से इसकी मॉर्गेजेस पे हो सकती हैं. इसीलिए 8% इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन मिल जाता है. जो अगर अमेरिकन ही हो, यहाँ के रेजिडेंट, उनको शायद 4 या 5, 4.5, 5.5, 6 डिपेंडिंग के वेरिएबल ले रहे हैं या फिक्स ले रहे हैं, 5 साल वाला है या जो भी है, इस रेट पर मिल जाता है. फॉरन इन्वेस्टर्स को तकरीबन 8% रेट में, जो कि अभी काफ़ी हाई है, जो कि आने वाले टाइम में शायद नीचे भी जाएगा. और क्योंकि बैंक ने 25% तो रख ही लिया और उनको पता है कि इतने हजार डॉलर की जितना कि इसका टैक्स और प्रॉपर्टी की इनकम जाती है ये तो बीएनबी से निकाल लेगा, तो हमारी जो है रिस्क कवर्ड है. और उस केस में भी अगर बंदे को यहाँ इन्वेस्ट करना हो तो कम से कम किश्तें देने लायक पैसा, कैश फ्लो आपके पास हमेशा होना चाहिए. ऊंच नीच के कभी बुकिंग आए या ना आए, वो घर के किराए पर चढ़े या ना चढ़े बीएनबी के ऊपर. तो इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. हम देखते हैं आगे हमारी मैथमेटिक्स बनती है, भाई और मैं मिला के कुछ यहाँ पे ले लें. जैसे हमारी कॉटेज बीएनबी का बहुत बढ़िया जा रही है, अपना खर्चा वो खुद निकालती है सिर्फ, मगर उस पे हमें इंटरेस्ट रेट 2% से कम मिला हुआ था, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है. बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.